यूं तो बीजेपी में प्रवक्ताओं की फौज है, लेकिन नए प्रवक्ता के रूप में मीनाक्षी लेखी बहुत ही चर्चित हैं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपने तेवर और अपनी हाजिर जवाबी की वजह से वो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को बहस में मात दे रही हैं। आइए मिलवाते हैं आपको मीनाक्षी लेखी से। मीनाक्षी जी, देश और राजनीति की चर्चा तो हम आपसे करेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतनी हाजिर जवाब कैसे हैं? ये तो मैं कह सकती हूँ कि ज़िंदगी जिस तरीके से जी है जी वो कारण हो सकता है, और एक ट्रेनिंग हो सकती है वकील की और उससे पहले डिबेटर होने की, और तीसरा कुछ ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं जी कि जो कुछ कारणों से व्यक्ति को एक तरीके का बना देता है। कांग्रेस के लोग, या कहें टेलीविजन में जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े बड़े दिग्गजों को बड़ी आसानी से मात दे देती हैं, जबकि लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी की नई प्रवक्ता है, लेकिन आप जब उत्तर देती हैं तो बाकी सब लोग निरुत्तर हो जाते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं स्पष्टवादी हूँ और सच कहती हूँ, और जो सोचती हूँ उसको गहराई तक, एक ही सोच को आगे तक सोचती हूँ, और उसी कारण और देश का इतिहास और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी, और मैं नई प्रवक्ता ज़रूर हूँ लेकिन अधिवक्ता पुरानी हूँ, जी और साथ ही राजनीति में भी नई नई हूँ, वो आप जी जानती हैं जी बात जी पहले से, जी राजनीतिक दल में शायद नई हूँ। जी एक ऐसे समय में आपको पार्टी के अंदर दायित्व मिला है जब लोकसभा चुनाव जो है वो काफी पास है, ऐसे में आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है रणनीति आगे लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की? मुझे जो बात समझ आई है वो ये आई है कि एक जेनरेशनल चेंज की बात है, और एक ये है कि काम जिसको सुहाए वही करे तो बेहतर हो। तो पार्टी अपनी चुनाव जीतना चाहती है तो हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक, कि अगर जी कोई इलेक्शन बेहतर तरीके से जानता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से जानता है या कार्यकर्ताओं में बेहतर तरीके से बोल सकता है, तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जी हर एक को अलग-अलग जिम्मेवारी दी है, और बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। एक परसेप्शन बन रहा है आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच, कि लोग तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं, जैसे अभी चाइना का, चीन का मसला है, सरबजीत का मसला है, इसके अलावा महंगाई रोज ही आम लोगों को परेशान कर रही है। इस तरीके से देश में ऐसे तमाम मुद्दे पिछले कई सालों में आए हैं जिससे एक आम परसेप्शन बन रहा है कि लोग कांग्रेस सरकार से नाराज हो रहे हैं, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश हों ऐसा भी कुछ खास कारण नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, वो आपकी मानता है, जहाँ जी तक हमारा विषय है वो जो ना खुशी है यूपीए या कांग्रेस के प्रति, जी उसको मैं अपने आप को उसको भागीदार मानती हूँ, अपने आप को मतलब भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस मकसद से हम विपक्ष में बैठे थे और जी हमारा काम था सरकार की नीतियों को देखना और उन पे निगरानी रखना, एक सिपाही का काम था, वो हमने बखूबी किया, और आए दिन वो मुद्दे जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश की, और उन मुद्दों को सामने लाने के लिए जो भी काम हमको करना था, चाहे वो कोर्ट कचहरी के केसेस थे, चाहे वो जनता के बीच जाकर बात करने वाली बात थी, चाहे जागरूकता की बात थी, चाहे कहीं अड़ने की बात थी, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर वाली चीज़ें हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, हर माध्यम से हमने उन सब विषयों को जनता में उठाया, लोगों के बीच में एक आम मानस और राय बनाई, और उसके लिए मैं उसका जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को देती हूँ। क्योंकि आप देखिए, UPA 1 जब हुआ, जी UPA 1 जो मोमेंटम था या जो इनर्शिया था तो 2004 तक की दो उपलब्धियों हजार का, जी उस पे चलता गया, और जो 2004 से आगे तक 2008 तक काम किए वो सामने नहीं आए 2009 तक वाले काम, जी और वो धीरे 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 अर्थव्यवस्था हो या बाकी नीतियां हो वो चरमराने लगी, और 2009 से वो और खुलकर सामने आए, और भ्रष्ट तरीके से जैसे सरकार ने काम किया वो तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर हुआ। जी और ऐसे में एक विपक्ष जो अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने निभाई,
और आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, मैं उसको नहीं मानती, स्वीकारती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही औचित्य है और वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम ना तो धर्म, ना जाति, ना परिवार वाली राजनीति करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सोचना होगा कि जब जब केंद्र में सरकार कमज़ोर होती है तब तब अड़ोसी पड़ोसी देश इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो केंद्र में एक बहुत ताकतवर मजबूत सरकार की आवश्यकता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिलवा सकती है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही कमजोर कड़ी है और उत्तर प्रदेश में की जो राजनीति है वो सपा और बसपा के हाथों में ही चल रही है लंबे समय तक। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर की क्या योजना है? मैं आपके इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर कड़ी है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अधिक मजबूत कड़ी है। कुछ कमियाँ संगठन के माध्यम से या तमाम तरीके से हमें ज़रूर रही होंगी और उनको हम बखूबी दूर करेंगे और आपके जो भी सुझाव हैं उस पर पूरी तरीके से काम करेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि है और हमारा वहाँ संगठन भी मजबूत है, लोगों के मन में भी आशाएं हैं हमें लेकर, और उस सरकार को जब हम सरकार में रहे उत्तर प्रदेश की, उसके विषय में भी लोगों के मन में बहुत आशावादी हैं। तो मेरा ख्याल समय है कि हम जो अपनी कमियाँ हैं उसको दूर करके एकजुट होकर, और मैं वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके कार्य से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि जब काम की बात आती है ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, तो एक हमारा संविधान है जिसके तहत 33% महिलाओं को जोड़ना आवश्यक है जी। उन्होंने 33 की जगह 37% महिलाओं को पदाधिकारी बनाया है और महिलाओं को बखूबी जोड़ा है, और अगर उनकी आप अभी हाल ही फिलहाल में हुई महिलाओं का जो यात्रा थी, जो जो भी वहाँ पे बलात्कार और इस तरीके की महिलाओं के प्रति दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका जो है संचालन सब महिलाओं ने किया और उसकी मुख्य जो है वक्ता और मुख्य अतिथि सुषमा स्वराज जी थी, और उसमें आपको देखने को बनता था कि कितने हज़ार 25-30 हज़ार औरतें सड़कों के ऊपर हाथ में दिए लेकर, और सब भाजपा की कार्यकर्ता, तो इतनी महिलाएं जब शाम के वक्त रात के वक्त सड़क पर उतर जाएं कि कई किलोमीटर तक का जुलूस चले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महिलाएं जब सड़क पर होती हैं वही शक्ति है का केंद्र है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि महिला कोई भी अकेले नहीं होती, अगर महिला सड़क पर उतरी है तो समझिए उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, हर तरफ के उसके साथ है, तभी वो सड़क पर आ सकती है, नहीं तो वो नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं आपको हमारी उपलब्धियों को नकारना नहीं होगा, लेकिन हमें उसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है, मैं उस बात को मानती हूँ और हम करेंगे। चलिए, जब महिलाओं की ही बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक जागरूक समाज सेविका भी रही हैं लंबे समय तक, अब राजनीति में हैं, जिस तरीके के जघन्य अपराध छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं और खासतौर से देश के कई जगहों से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रदेश या दिल्ली या कहीं और, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इस पर आप क्या कहेंगी? इन घटनाओं के पीछे की क्या सोच है ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई एक प्रमुख विषय नहीं है, इसमें ये एक बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के हुआ है। उसमें सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगी, कानून व्यवस्था किसी भी देश की बहुत आवश्यक है और कानून के साथ जुड़ी हुई है न्याय प्रक्रिया, कि ऐसे तमाम लोग जो भी इस तरीके की हरकतें करें उनको तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, और वो एक संदेश लोगों के बीच में जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी सज़ा 3 महीने 6 महीने के भीतर हुई और वो अखबार की सुर्खियां बने जी। और उसी 3-6 महीने के भीतर, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सब मामले ख़त्म हो जाने चाहिए। जब पूरे देश भर से इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी और फिर सरकार उन मामलों के ऊपर 20-20 साल 25-25 साल बैठे नहीं, अगर किसी को सजाए मौत हुई है तो तुरंत तुरंत वो काम करके दे, तो एक संदेश समाज में जाएगा। कहीं ना कहीं उस लचीली कानूनी और न्याय प्रक्रिया के प्रति एक विश्वास जो है वो हट रहा है और लोगों की आस्था चरमरा रही है, और उससे जो अपराधी तत्व हैं वो उनको हिम्मत मिल रही है। तो पहले तो हमको जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले इन विषयों पर हमें सख्ती बरतने की आवश्यकता है। दूसरा विषय है समाज का रुख महिलाओं की तरफ।
समाज के रुख में दो विषय, एक विषय है कि जो महिलाओं को एक व्यक्ति ना समझकर वस्तु समझता है, उसको कमोडिफाई करता है, वो मुन्नी और तमाम तरीके की नाम इस्तेमाल करता है महिलाओं के प्रति, और उनको एक आइटम गर्ल या मॉडल के रूप में ही देखना चाहता है कि वो अपना प्रदर्शन करती रहे और बाकी लोग बैठ के उसको आंखें सेकते रहे। तो जब इस तरीके की मानसिकता गुजरती है और उस तरीके के क्या कहना चाहिए, शरीर के अंदर हॉर्मोन्स और तमाम प्रक्रिया चल रही है और उसको वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और ये हरकतें होती। तीसरा, बहुत आसानी से पॉन और ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, और जो एक मानसिक दायरे थे हमारे कि महिला को देखा तो एक रिश्ता तुरंत बनता था कि भाई है, बहन है, मौसी है, चाची है, नानी है, माँ है, पड़ोसी पड़ोस की आंटी हैं, और भला मेरे दोस्त की बहन है, जब इस तरीके की, या मित्र है। तो जब वो रिश्ता आपका किसी महिला के प्रति रहता है तो आप उस रिश्ते में उसका जो है शोषण नहीं करते, क्योंकि अगर आप किसी महिला को देखकर उसके प्रति आदर की निगाह से देखते हैं तो आप उसको एक बलात्कारी की निगाह से नहीं देखेंगे, आप शोषण नहीं करेंगे। तो एक ये भी पक्ष है मानसिकता का, और वो मानसिकता में कहीं ना कहीं हमारे दरारें आई हैं, और उस दरार के रहते जो चाची नानी गांव की बहन पड़ोस की लड़की वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और एक शहर के अंदर एनोनिमिटी मिलती है, एक आपको ऐसी जगह मिलती है जहां आपको जान पहचान रिश्तेदारी कोई कोई ऐसा नहीं है, और वो सब चीज़ें। एक और बात जो हमारे लोग जानना चाहते हैं, महिलाओं को लेकर जो कानून बने हैं वो और किस तरीके से सख्त बनाए जाएँ कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि हाल में भी कई अमेंडमेंट्स हुए, कई सारी चीज़ें, कई नए बिल आए, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फोकस आपका होना चाहिए उन अपराधियों पर जिसको या तो आप सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, और जिनको नहीं सुधार सकते, जो इतने जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उनको आप सज़ा दे सकते हैं, ताकि समाज में संदेश जाए कि अगर जघन्य अपराध कोई करेगा तो उसकी देखभाल ना समाज करेगा ना सरकार करेगी। अब यहाँ पर आपको संरक्षण प्राप्त हो रहा है सरकार का, क्योंकि एक गरीब आदमी, आप, मैं एक उदाहरण के रूप में आपसे बात करना, एक गरीब आदमी जिसकी 5 साल की 4 साल की लड़की वो पत्थर तोड़ता है सड़क पर या मजदूरी करता है, उसकी 4 या 5 साल की लड़की को कोई उठा के ले जाता है और उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है, अब वो आदमी तो सड़क पर ही रहेगा, दवा दारू खाना पीना सूरज की रोशनी बारिश उसकी चिंता कोई सरकार नहीं कर रही। लेकिन जो अपराधी ने उस 4 या 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसको आप तिहाड़ में बंद करेंगे, उसको सफ़ेद धुलावा कपड़ा देंगे, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, उसकी दवा दारू का इंतज़ाम करेंगे, ये कहाँ का न्याय है जी? सामाजिक न्याय की व्यवस्था कुछ और है, और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है न्याय और मानवाधिकार उनके जो मानव हैं या मानवता के प्रति कुछ संवेदना रखते हैं, जो मानव के जैसे हैं नहीं और मानव के प्रति कोई संवेदना नहीं है, समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसे लोगों को ना मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए और ना वो मानव कहलाने लायक है। जो 4 या 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर सकता है जी, ऐसे व्यक्ति को मेरे अनुसार सख्त से सख्त सज़ा, और वो सज़ाए मौत है, और जिसको डॉली इफेक्ट कहा जाता है, उस पर भी संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो पहले कानून था उसमें एक गैप था कि अगर उसको हम याद करें निर्भया वाला केस, उसमें अगर वो लड़की बच जाती, अब तो मर गई तो वो मृत्यु दंड मिलेगा वो उस लड़की के मरने के कारण, ना कि जिस जघन्य तरीके से उन्होंने बलात्कार किया था उसके कारण। अगर वो जघन्य बलात्कार ही रहता और वो मरती नहीं, जिंदा रहती, तो आप उनको सजाए मौत नहीं दे सकते। तो ये कानून में त्रुटि थी, ये कहीं ना कहीं त्रुटि थी, क्योंकि इतने तरीके के केस मैंने देखे हैं जहाँ पे मान लीजिए महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, बच्चियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, आँख निकाल दी किसी की, हाथ काट दिया, बलात्कार किया और आँख निकाल दी, हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, गर्दन काटी, वो बच गई पर उसके खून इतना निकल गया कि उसका दिमाग का जो है वो पार्शली काम करने लगा, पैरालिटिक हो गई, या इस तरीके, तो लड़की की तो जिंदगी हमेशा के लिए आपने खराब कर दी। तो जो ये लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स हैं, यानी जिससे जीवन ही परिवर्तित हो जाए और उसको आप किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते, ऐसे तमाम केसेस में सजाए मौत होनी चाहिए, इसकी मैं पक्षधर हूँ 2004 से। फिर से बात करते हैं राजनीति की।
एक चर्चा आपकी पार्टी के बारे में बहुत ही आम है इन दिनों कि आपकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर बहुत स्पष्ट नहीं बोल रही है। कौन है बीजेपी का होने वाला प्रधानमंत्री, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं वो बहुत भली भांति समझते हैं कि किसके रहने से आने से हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो यूपीए की भ्रष्ट सरकार को हटाना है जी, और उसके लिए जो भी काम हमको करना पड़े लोगों के बीच में या लोगों के बीच जाकर वो हम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही उसकी डिक्लेरेशन देगा। और आपको भी जानकारी साथ ही मिलेगी, मेरे को भी आपके साथ मिलेगी या मेरे माध्यम से आपको मिलेगी। चलिए, दिल्ली को लेकर के भी बातचीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस कदम यहाँ नहीं उठा पा रही। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पिछले इलेक्शन हुए वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुए, इससे पहले वो हमने जीते, तीनों जगह जीते। वो तो कई बार होता है। नहीं, आप सुनिए, उसमें रणनीति देखिए कांग्रेस की क्या थी कि किसी तरीके से कॉरपोरेशंस को बांट दे ताकि बांटने के बाद वो पूर्व और उत्तर दक्षिण ऐसा करके तो वो उनमें से एकाध म्यूनिसिपैलिटी पे भी अपना पांव जमा ले। वो नहीं हुआ जी, वो नहीं कर पाए। तो हम तो पहले, हमारी ये इच्छा नहीं थी कि वो बटे, मगर इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन बांटे ताकि उसमें भी कुछ काट छाट कर सके तो वो कर ले, वो नहीं हुआ। तो हमने उसमें मिलके काम किया और लोगों के बीच काम किया, पहला संदेश तो ये गया। दूसरी बात कि दिल्ली में सबसे अधिक जो दिक्कतें रहीं वो रही बिजली की समस्या, जहाँ पे 70% तक दाम बढ़े लगातार उसकी लड़ाई, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, और पिछले 5 साल से वो लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ ही रहे हैं, सड़कों के बीच में हो, लोगों को बात करने की बात हो जी। तो वो सब माहौल हमने तैयार किया पूरे देश भर में और ख़ास तौर पे दिल्ली के अंदर, और उसमें बात भी की। भ्रष्टाचार हो, जो मूल्य बढ़े वस्तुओं के, एसेंशियल कमोडिटीज़ के, आटा दाल चावल सब्जी, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 40 रुपये की जब प्याज हुई थी जी 2004 में, तो हमारी सरकार चली गई थी, 40 रुपये किलो प्याज हुई थी, और वो प्याज क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है ट्रक्स वगैरह ज़्यादातर कांग्रेसी यूनियन जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके रहते तो उन्होंने रोक लिया इधर उधर, और बहुत सारा प्याज जो है पाकिस्तान से इम्पोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत थी। तो उससे तो सरकार चली गई दिल्ली की, लेकिन आज 40 रुपये से किलो कम पे तो कोई सब्जी नहीं है जी, कोई सब्जी नहीं है जी। तो फिर ये सरकार क्यों नहीं जानी चाहिए? और यही जो हमारी बात है या देश की दुविधा है वो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। पानी का वो हर निजीकरण में बुराई नहीं है, मगर निजीकरण किसके लिए, क्या निजीकरण का फायदा लोगों तक पहुँचा? जवाब है नहीं। किसको पहुँचा? उन कंपनियों को पहुंचा, क्योंकि शुरू में बात थी कि अब 4 सप्लायर्स होंगे, जब 4 होंगे तो आपस में कंपीट करेंगे कि जिसका दाम सस्ता होगा, जिसकी ज़्यादा अच्छी हमें चीज़ मिलेगी तो हम उसी से खरीदेंगे, हम रिलायंस से खरीदें, टाटा से खरीदें, ऑरेंज से खरीदें, ग्रीन से खरीदें, वो हम उससे खरीदेंगे। लेकिन इन्होंने वो नहीं होने दिया, हिस्से बांट दिए, आप पूर्व लें, आप दक्षिण लें, आप पूर्व पश्चिम लें, ताकि सबकी अपनी अपनी मोनोपोली हो जाए और सब पैसा बनाते रहे और उसमें कुछ कहने वाला नहीं। अब आप इन्हीं राज्यों को कंपेयर कर रहे हैं कर्नाटक से, जहाँ पर मात्र 5 पैसा या 25 पैसा कुछ ऐसे बिजली बढ़ी है इतने वर्षों के बाद। गुजरात से करें, जहाँ पर गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो देश के अवार्ड हैं, 8 में से 6 अवार्ड गुजरात ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात को सोचना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि जो कंपनियाँ निजीकरण वाली भाजपा प्रशासित प्रदेशों में काम कर रही हैं, तो वहाँ दाम कुछ और होते हैं, वहाँ लोगों तक फैसले कुछ और होते हैं, उसमें पैसों की कटौती होती है, देश बहुत कुछ मिलता है, यहाँ पर बिजली की ही कटौती हो जाती है और दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है दिल्ली की सरकार में? जिस तरीके से कोल स्कैम को लेकर के CBI ने जो भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, एक वकील भी, आप इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखती हैं? CBI की भूमिका, वो उससे ज़्यादा जो बड़ी गड़बड़ भूमिका है वो सरकार की भूमिका है, क्योंकि सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब हम लगातार क्या हो रहा है कि जो फोकस का पॉइंट बन रहा है वो CBI बन रहा है,
बात सीबीआई की नहीं है, बात है सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार ही नहीं किया बल्कि उस रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस भी किया, तो विषय वो है। तो हम विषय से भटक रहे हैं कि अगर हम अपना विषय सीबीआई कर दें, और इसीलिए मैंने अपनी नाराज़गी पहले भी जाहिर की थी कि आप सीबीआई कितनी इंडिपेंडेंट है या नहीं, विषय वो नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन 100% इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब जो हस्तक्षेप करने वाला है, आप वहां से फोकस क्यों हटा रहे हैं, आप सीबीआई को फोकस क्यों बना रहे हैं? कि लगातार कहीं ना कहीं मायावती जी ने माहौल बनाया और कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, फिर हमेशा की तरीके से, कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दी कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया, भाजपा ने किया। तो मैं जरा वो मामला जरूर आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, और वो ये है कि जिस तरीके से कोल के केस में हुआ कि कोयला घोटाले का मामला पीआईएल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आगे आया, ऐसे ही ताज कॉरिडोर में घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे आया और उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। जब तक वो जांच जैसे इसमें हुई, तो इस केस के अंदर कोयला घोटाले में तो कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री तमाम लोग लग गए उस जांच को अपने दायरे से हटाने के लिए। हमारे समय में जब वो जांच हुई तो हमने, चाहे वो हमारी एलाय थी और चाहे वो हमारी सरकार गिर सकती थी या जो भी कुछ, हमने अपने हाथ धो लिए कि ये सीबीआई का और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये फर्क है उस समय की सरकार में इस समय की, और ये मैं जवाब मायावती जी को जरूर देना चाहती हूँ और आपके माध्यम से लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो 8 साल मामला लटका रहा, और लगातार अगर आप उसके बाद की कई स्टेटस रिपोर्ट देखें और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर देखें, तो लगातार सीबीआई को फटकार पड़ी कि भाई ये कागज़ है, आपने तहकीकात क्यों नहीं की, ये कागज़ है, आपने तहकीकात क्यों नहीं की। और जब 8-9 साल ऐसे खराब हो गए और कोई तहकीकात नहीं हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वाश किया, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया उस मामले को। तो एक सरकार है जो डायरेक्ट उस तहकीकात को कंट्रोल करती है कि कहाँ मामला दबना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, किसका होना चाहिए। दूसरी सरकार है जो कहती है कि नहीं, मैं पक्षपाती नहीं हो सकती, ये कोर्ट कचहरी और सीबीआई का मामला है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं दूंगी, चाहे मेरी सरकार जाती है तो जाए, मगर ये काम मैं नहीं कर सकती। ये फर्क चाइना का जो मसला है, जिस तरीके से घुसपैठ सामने आया है, और इसके अलावा एक और सरबजीत का जो पूरा प्रकरण है, ये दोनों हालांकि विदेश नीति से संबंधित मसले हैं, लेकिन इस पर जो भारत सरकार का रुख रहा है उसको किस तरीके से आंकेंगी आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी केंद्र में कमजोर सरकार हुई है तब तब इस तरीके के हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र में एक मजबूत सरकार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, क्योंकि किसके पैसे कहाँ पड़े हैं, क्या रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है जो लोग इस तरीके का काम करते हैं सबको जानकारियाँ प्राप्त होंगी। चीन के मामले में 62 का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ वो सब जानते हैं। उसके बाद 65, 69 और 70 के दशक में भी कभी इसी तरीके की घुसपैठ की, और लगातार वहाँ पर जो हमारी आर्मी पोस्टेड थी उसने उसको कंट्रोल करके वहीं के वहीं ख़त्म किया, उसको लोकलाइज की, मतलब ये इसी इलाके का मामला है, वहीं इलाके से उनको घुसने नहीं दिया, पीछे कर दिया। अभी भी इस मामले को सुलझाने के लिए मेरा ये मानना है कि आज जो विदेश नीति है 3 पक्षों से चलती है। पहला पक्ष तो है आपका बातचीत, लेना देना, ये सब। दूसरा पक्ष है व्यापार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जहाँ चीन के साथ हमारा व्यापार है, कोई 60 बिलियन का सामान हमें वहाँ से आता है, 20 का हम भेजते हैं, तो 40 का डेफिसिट है, और वो बढ़कर और बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि चीन से वार्ता थी कि उनका व्यापार 100 मिलियन हो जाए जी। हाँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको वहां रोक लगानी होगी, क्योंकि वो हमारे से क्या प्राप्त कर रहे हैं, कच्चा सामान, मतलब वो हमारे से कोयला और आयरन रोर और इस तरीके की चीजें लेते हैं, हम वहां से क्या लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, टरबाइन के इंजन मेड इन चाइना, कपड़े और मेड इन चाइना दिए और मेड इन चाइना मोमबत्तियां, उस तरीके का सामान। तो उस पर अगर आप आज ड्यूटी बढ़ा दें, कल उनकी बिल्कुल वो सेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यापार अपना ख़त्म नहीं करना चाहता। तो चीन के साथ जब आप विदेश नीति की बात करते हो, तो डिप्लोमेटिक बातचीत, वार्तालाप, प्रेशर बढ़ाना, व्यापार के विषय में सोचना, बात करना, हर तरीके से आपको आना चाहिए कि देखिए, गुस्सा, प्रेम,
आंख दिखाना, सब कुछ बराबर आना चाहिए ना। उस समय की क्या आवश्यकता, उसके अनुसार क्या चीज़ को आपको प्रयोग करना है, वही डिप्लोमेसी है। चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, आप किसी की जीवन लीला देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस समय समय अनुसार किस चीज़ का प्रयोग करना है, वही डिप्लोमेसी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी क्योंकि प्रशासनीय फेलियर्स हैं, वही हमारी विदेश नीति को ख़राब कर रही हैं। जो सही समय पर सही चीज़ का मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उसमें कमज़ोरी हमारी है, क्योंकि हम भ्रष्ट हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारी विचार सीधे नहीं हैं, हम देश की नहीं अपनी सोचते हैं, वो बहुत सारे विषय हैं। और इसी प्रकार से जब सरबजीत का मामला आता है, यही विषय है, यही तीन मुख्यतः विषय हैं सरबजीत के मामले में भी। और सरबजीत के मामले में भी इन्हीं कारणों से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। और सरबजीत के मामले में जो हुआ वो, उसको मैं उसकी मौत नहीं मानती, मैं उसकी हत्या मानती हूँ, क्योंकि एक साजिश के तहत ऐसी हत्या रची गई, और पहली नहीं है, चमेल सिंह इससे पहले थे। और लगातार वहाँ पर जो एक जिहादी माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, जो बिल्कुल अमानवीय घटना में लिप्त है, उसकी हमें व्याख्या पूरे विदेश सब देशों में सब जगह करनी चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार संसद नहीं चलने दे रही है, अल्टीमेटली देश का नुकसान हो रहा है और जो जरूरी बहस के मुद्दे हैं वो भी सामने नहीं आ पा रहे। जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया है या संसद की प्रक्रिया है, उसमें एक संसद की प्रक्रिया का हिस्सा है एडजर्नमेंट मोशन। और एडजर्नमेंट मोशन जो है वो कोर्ट कचहरी के एडजर्नमेंट की तरीके से नहीं होता कि आज छुट्टी हो गई, बल्कि वो एडजर्नमेंट मोशन प्रक्रिया है, एक समझिए रूल है, उस रूल के मुताबिक उसका मतलब होता है कि आप सब छोड़िए इस विषय पर बात कीजिए, यानी आप सब छोड़िए कोयला घोटाले पर बात कीजिए, आप सब छोड़िए सरबजीत पर बात कीजिए, आप सब छोड़िए विदेश नीति पर बात कीजिए। वो भी बातचीत तो हो नहीं पा रही। मैं वही कह रही हूँ, वो सरकार, जब भी हम एडजर्नमेंट मोशन मूव करते हैं, सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। और उन मुद्दों, और क्या होता है कि हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव की, स्पीकर के पास पहुंचे, और स्पीकर को उन विषयों पर बात करनी है, यानी उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों से बात कर, विपक्ष ने तो अपनी मोशन मूव कर दी, तो जब वो पक्ष से बात करती हैं, पक्ष भाग जाता है, और वो भागते हैं, और वो उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता। तो जो संसद नहीं चलने की जिम्मेवारी है वो हमारी नहीं है, क्योंकि हम विषयों पर, जिन विषयों पर हम बात करना चाहते हैं, उन पर सरकार बात नहीं करना चाहती, और ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकारी खाते में जाती है। मैं समझती हूँ आपकी भावनाएं, आप भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता हैं, तो जाहिर तौर पर आप कंसर्न होंगे कि आपके मुद्दे पार्लियामेंट में सुने जाएं। आपने साधना न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।